सामने खड़ा करने में कामयाब हुई है। इंशाअल्लाह आपके खड़े होने के बाद शायद इसकी जो जरूरत है, इसके जो तकाजे हैं, इसके जो सामने मुश्किलात हैं, वो हल होंगी, हर कीमत पर हल होंगी। हजरात, मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ। आज पाकिस्तान वो पाक सरजमीन जो खुदा के नाम से, जो अल्लाह के नाम से ली गई है, वो खून से भर चुकी है। उसमें बर्बादी करने वाले दुश्मन बगैर कुछ नुकसान उठाए बर्बाद किए जा रहे हैं। आज वो मुल्क जिस मुल्क पर सिर्फ कलमा का नाम लेकर, ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह और रसूल का नाम लेकर जो मुल्क हासिल किया गया था, आज उस मुल्क में कहीं मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में कहीं लसानी झगड़े हैं, कहीं मजहबी झगड़े हैं, कहीं सूबाई तस्तब हैं, पता नहीं क्या क्या चीज जाहिर की जाती है, दिखाई जाती है। और मीडिया, मेहरबान मीडिया, मौसम मीडिया और कर्म फरमाई करने वाला मीडिया, उसका जो आगे कताबचा बनाता है उसे तूफान की तरह खड़ा कर देता है। हजरात, मैं ईमानदारी से बताता हूं, कम से कम मैं इख्तलाफी बातों के लिए बताता हूं। मैंने 14 अगस्त 10 से लेकर आज तक मुल्क के कोने कोने, गोशे गोशे गया। मैं बलोचियों से मिला, सिंधियों से मिला, मैं कौम परस्तों से मिला, मैं MQM से मिला, मैं मौलवियों से मिला, मैं मजदूरों से मिला, मैं इंजीनियर से मिला, लेकिन मैंने कौम परस्तों की भी यही आवाज दी कि हम पाकिस्तान के लिए जिंदा हैं और पाकिस्तान के लिए जान दे देंगे। मैंने उलमाए कराम की मुंह से भी यही बात सुनी कि हमारे इख्तलाफ फरोई हैं और फरोई इख्तलाफ हमेशा हुआ करते हैं और वो रहेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए जिंदा हैं और पाकिस्तान के लिए मरेंगे। हजरात, आगे जाइए, ये सूबाई तासबात की बात करते हैं, बलोचिस्तान की बात करते हैं। बलोचिस्तान में कहते हैं कि वो कमजोर सा, नहीव सा वजीर आजम झंडा ना लगा सका। मैं यकीन से कहता हूं, अगर आप में से कोई गया है तो मेरी गवाही देगा कि वो झंडों से भरा हुआ है बलोचिस्तान। वहां जमीयतुल मासूम के झंडे हैं, वहां पीपल्स पार्टी के झंडे हैं, वहां जमात इस्लामी के झंडे हैं, तो बताओ पाकिस्तानी झंडा क्यों नहीं लग सकता? पाकिस्तानी झंडा नहीं लग सकता तो उसमें किसी की कोई कसूर नहीं, कोई जुर्म नहीं। जुर्म है तो हुक्मरानों का है, तो हुक्मरानों की है। बदनीती है तो हुक्मरानों की है, वरना कोई रुकावट नहीं। मैंने एक नहीं से, कमजोर से शख्स ने, मैंने एक गफूर वट्टू के नाम पर टीवी चैनल की स्क्रीन के नाम पर मैंने वहां एड्रेस किया 200 नौजवानों को, बलोचों को, और उन बलोचों ने दंगना कर नारा लाया कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं इन वक्त की बात पर कतन और हरगिज यकीन नहीं रखता कि हम में कोई फरोई इख्तलाफ है। मैं इस बात पर कतन यकीन नहीं रखता कि हम में कोई इलाकाई इख्तलाफ है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कोई लसानी इख्तलाफ है। लसानी इख्तलाफ, फरोई इख्तलाफ जो कर रहे हैं, आए इलेक्शन में देख लें अपना अशर कि उन्हें कितने वोट मिलते हैं। बताओ कोई लसानी दावेदार, कोई फराई दावेदार, कोई मजहबी इख्तलाफ दावा करने वाला कभी जीता है इलेक्शन में? कभी नहीं जीता। इसलिए मैं ये दावे से कहता हूं कि कौम एक है, लेकिन कौम को धोखा देने के लिए कुछ पेड़ लोग हैं, कुछ एजेंट लोग हैं जो बाहर से हैं और अंदर से हैं। लेकिन इसके लिए हमें देखना होगा कि हमारे अपने घर में कसूर क्या है, हम में क्या लक्ष्य है, हम उसकी इसलाह कैसे कर पाते हैं। हजरात, आप ये बताइए कि ये घर, ये मुल्क क्या दुल्तानों का है, क्या ज्ञानियों का है,
क्या कयानियों का है, क्या ये मुल्क किसी और का है? मुल्क है तो आपका है, आपका है, आपका है। अगर आप सोए रहेंगे, अगर आप नींद गहरी नींद से नहीं उठेंगे, तो फिर यकीन जानो आपके घर को डाकू चोर लूट ले जाएंगे। उठना असल में आपने होगा, और आप उठ खड़े होंगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यकीनन इस वक्त आप उठेंगे, उठेंगे हर कीमत उठेंगे। मैं और मेरी उम्र के लोगों को, मैं मुर्दे अल्जाम ठहराता हूं, मैं उनसे उन पर अल्जाम लगाता हूं, उनके खिलाफ केस फाइल करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया, इतना बड़ा जुर्म किया जिसमें मैं भी शामिल हूं, कि जो कैद आजम ने, जो कैद मिल्लत ने, जो इकबाल ने हमें कौमी यकजहती दी, हमने उस यकजहती को बर्बाद कर दिया। और हम सोए रहे, इस तक सोए रहे, उस घर में बर्बादी की तक हद तक पहुंच गया, खून खराबे की हद तक पहुंच गया, अमन तबाह हो गया, रोजगार नाम रहा। और अब इस बात का खतरा महसूस हो रहा है कि मुल्क का क्या बनेगा। अब मैं ये महसूस करता हूं, नौजवानों को कहता हूं, आप लोगों को कहता हूं, कि अगर आपकी तरह आपने भी यही सुस्ती का मुजाहरा किया, यही कुताही का मुजाहरा किया, तो फिर यकीन जानो आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। वो बुजुर्ग, वो शोदा जो इस मुल्क के लिए गुजर गए इस दुनिया से, उनकी रूहें माफ नहीं करेंगी। और सबसे बड़ी बात, किस मुल्क के लिए जिसके नाम पे हासिल किया गया है, जो हमेशा जिंदा और जागदा है, जिसके आप अदालत में पेश होना है, और वो आखिरत में आपसे पूछेगा कि मेरे नाम पे मुल्क हासिल किए गया का तुमने हशर क्या बनाया। हजरत, मैं एक बात कहना बहुत जरूरी समझूंगा, और देख लीजिए यहां जो बंदे तशरीफ फरमा हैं, जो मेरी आवाज पर पूरे मुल्क से, मैं आपको ये बताऊं कि मेरी आवाज की कोई असियत नहीं, गफूर भट्टू की कोई असियत नहीं, असियत है तो पाकिस्तान की है, मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, इसलिए लोग वेलकम करते हैं, वरना मेरी क्या असियत है। मैं ये समझता हूं कि मैंने आवाज दी, और इस वक्त मैंने एक थोड़ी सी चिट चलाई टीवी चैनल पर, नीचे पट्टी चलाई, दो माह के अंदर पूरे मुल्क में मैं ऑर्गेनाइजेशन करने में कामयाब हो चुका हूं, मैं घर बैठा हूं, और पूरे सिंध में, पूरे बलूचिस्तान में, पूरे सरहद में, और पूरे पंजाब में हम ऑर्गेनाइजेशन को मुकम्मल कर चुके हैं। और हमने ये फैसला किया है, हम करना क्या चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं। पहली मैं एक थोड़ी सी और बात का इजाफा करूं, आप बताइए कि जिस तारीख के जरिए, जिस कुर्बानियों के जरिए यह पाकिस्तान हासिल किया गया था, क्या उसमें रौसा थे, क्या उसमें सरमायेदार थे, क्या उसमें जागीरदार थे, क्या गड्ढों पर बैठकर आने वाले जागीरदार थे? वो मैं और आप थे। शहीद किया गया, कुर्बान किया गया खानदानों को, तो मेरा और आपका खानदान था। और हुआ ये, कैद आजम का मुझे वाकया याद है, मैं उस वक्त होश में था, कैद आजम ने यहां ये बात की थी कि ये जागीरदारी सिस्टम, ये सरमाएदारी सिस्टम, वो सिस्टम जिसमें गरीब के लिए कोई रोटी और जगह और रोजगार नहीं है, वो यहां नहीं इजाजत दी जाएगी। और उन्होंने हर खानदान के लिए जितने अफराद थे उतने एकड़ जमीन अलाट की, लेकिन आने वालों ने उस मनसूबे को तबाह व बर्बाद कर दिया। आने वालों ने ये ही नहीं किया, हम जब घर वाले सो गए, जब मैं और मेरी उम्र वाले सो गए, लोग घर डाकुओं और चोरों के हवाले कर दिया गया, तो फिर सब कुछ बर्बाद हुआ हजरत, बर्बाद हुआ। और यहां तक हुआ कि वही लोग जो अंग्रेज के साथी थे, वही लोग जो हमारा खून खराबा करते थे, वही लोग जो हमारे हकूक गजब करके बैठे थे, और वही लूनी लोगों ने आकर हमारी क्यादत संभाल ली।
हजरत नजर मारिए, देखिए फौज में कौन है, किसका बेटा है। नजर मारिए देखिए सीएसपी कौन है, किसका बेटा है। नजर मारिए देखिए सनतों में कौन बैठे हैं और किसके बेटे हैं। हजरात आपको हर जगह वही नजर आएगा जो उस वक्त अंग्रेज के साथ था और इस वक्त उसके हाथ से मुल्क का खून हो रहा है और वो मुल्क का हुक्मरान है। उठाओ मेरे बच्चों, भाइयों, बुजुर्गों, अपने एहसास करो, अपने घर का एहसास करो, अपने घर की हिफाजत करो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। मैं आगे जाता हूं इस मुल्क की तरफ, इस मुल्क की तरफ जो मुल्क तुम्हें अल्लाह ने दिया है। बताओ कोई बुजुर्ग मेरी उम्र का बताए कि जब ये पाकिस्तान नहीं था तो कितने जर्नैल थे, जब ये पाकिस्तान नहीं था तो कितनी दुकानें थी, कितनी सनतें थी, कितनी सियासी अफसर थे आप। नापैद नापैद। आज आप सनतकार हैं, आज आप ऑफिसर हैं, मुलाजिम हैं, कारोबारी लोग हैं, तो ये इस पाकिस्तान की बरकत से मिला। लेकिन अगर इस पाकिस्तान की बरकत को आप हिफाजत ना करेंगे, इसकी इज्जत का आप हिफाजत ना करेंगे, तो फिर मैं याद साफ कहूंगा कि तुम्हारे कपड़े उतर जाएंगे, तुम पे जुल्म होगा, तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी कि जरा तुम आप तहफ़ ले सकोगे। हजरात इस वक्त सिर्फ एक बात की कमी है, वो ये है कि जाओ एक एक को, जाओ एक एक घर, उठो उठो अपने घर की तहफ़ करो। हम और कुछ नहीं मांगते, आपके घर की तहफ़ मांगते हैं। अगर घर का तहफ़ नहीं करोगे तो कुत्ते बिल्ले हमें खा जाएंगे। मेरी यही गुजारिश है। अब हमने क्या किया है, मेरा ख्याल था कि मैं 14 अगस्त को, 14 अगस्त 10 की बजाय 14 अगस्त 11 को एक बहुत बड़ा लिंक अप करूंगा। हम खासी हद तक वो जंजीर बनाने में कामयाब हुए और मैंने कहा कि मैं अब घर बैठ जाता हूं। मेरी आवाज थी, मैंने आवाज उठाई, मैंने अपना टीवी चलाया, लेकिन 4 महीने 6 महीने घर बैठने के बावजूद कहीं से अगर आवाज आई तो पॉलिटिक्स की आवाज आई, एक दूसरे को गालियां देने की आवाज आई, एक दूसरे का गला खींचने की आवाज आई, एक दूसरे को बुरा भला कहने की आवाज आई, कौमी यकजहती की आवाज नहीं आई। तो मैंने सोचा जब काम को अधूरा नहीं छोड़ना, बाकी जिंदगी इसके हवाले कर देता हूं, बाकी कारोबार इसके हवाले कर देता हूं। तो मैंने एक छोटी सी, मैंने जैसे कही तक पट्टी चलाई कि मैं कौमी यकजहती काउंसिल कायम करना चाहता हूं। 10 दिन के अंदर मेरे पास 500 पैगाम आए मुल्क भर से, क्या हम अब तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। मैंने मीटिंग बुलाई और उसमें 125 या 150 आदमी आ गया। मैं नहीं जानता था कौन है, मैं इस रफीक साहब को नहीं जानता था कौन है, लेकिन मैंने देखा कि रफीक साहब काम करने वाले बंदे हैं। हमने उसी दिन एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, इनको पंजाब का ऑर्गेनाइजर बना दिया और आज मैंने आपको बताया है इस वक्त पूरे मुल्क में ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ रही है। और फिर मैं ये बताऊं कि हम बंद करना क्या चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। हम इस ऑर्गेनाइजेशन को कौमी यकजहती काउंसिल के तहत डिस्ट्रिक्ट, तहसील, प्रोविंस और सेंटर में असेंबलियां बनाना चाहते हैं और उस असेंबली का तादाद हम तहसील में 5,000 रखना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में 20,000 रखना चाहते हैं और प्रोविंस में 50,000 रखना चाहते हैं, सेंटर में 1,00,000 रखना चाहते हैं। आओ उठो मेरे भाइयों, शायद उस असेंबली में तुम्हारी किस्मत कभी ना जागे, कभी ना जा सको जिस असेंबली में लुटेरे और चोर बैठे हैं, जी जो असेंबली करारदादे पास करती है और उसके पास नहीं होती। आओ इस असेंबली में, ये एक हकीकी असेंबली होगी, ये आपकी असेंबली होगी, ये बगैर पैसे खर्च किए असेंबली होगी। आओ इसके मेंबर बनो और इन असेंबली के जरिए अपने मुल्क को संभाले और इस असेंबली के जरिए अपने मुल्क को तरक्की के राह पर गामसन करें और इस असेंबली के जरिए हम बताएं कि ये होती हैं असेंबलियां, ऐसे चलाती है असेंबलियां और असेंबली के पास की हुई करारदाद कभी रिजेक्ट नहीं हुआ करती, कभी उसमें अफसोस नहीं किया जाता। मैं आपसे सिर्फ दरख्वास्त करके इजाजत मांगूंगा
कि सब लोग बच्चा बच्चा इसका मेंबर बने। ये असेंबलियां हैं और ये असेंबलियां ग्राउंडों में लगा करेंगी। ये असेंबलियां लाखों की तादाद में होंगी और जब वो करारदादें पास करेगी, जब वो कुछ फैसला करेगी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करके दम लेगी। बस मेरी यही दरख्वास्त है। थैंक यू।